अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में अर्जेंटीना की फ्यूचर एयरक्राफ्ट एक्विजिशन के हवाले से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट पर बात करेंगे। भारत को रूस की तरफ से S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की दूसरी बैटरी की डिलीवरी, रशियन दिफाई सनत की फौज को मजीद T-90 टैंक की डिलीवरीज, सऊदी अरब को कॉर्वेट की फराहमी, जापान, मलेशिया और आर्मेनिया समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। अर्जेंटीना की हुकूमत ने सरकारी सतह पर अपनी एयरफोर्स के लिए फ्यूचर फाइटर जेट की खरीदारी से मुतालिक तफसीलात जारी की हैं। इस प्रोग्राम के तहत अर्जेंटीना की एयरफोर्स इस वक्त 4 तैयारे इवेल्यूएट कर रही है या कर चुकी है। इन तैयारों में पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका तौर पर तैयार करदा JF-17 थंडर ब्लॉक 3, अमरीकी साख्ता F-16 और इंडियन तेजस के अलावा रशियन MiG-35 शामिल हैं। मुबैना तौर पर इन तैयारों के हवाले से जहां हुकूमत और कांग्रेस को बाकी टेक्निकल, माली और सियासी पहलुओं से मुतालिक तफसीलात फराहम की गई हैं, वहीं इन चारों तैयारों की पर फ्लाइट आर कॉस्ट के हवाले से भी डिटेल्स देखने को मिली हैं। गो के ये ऑफिशियल डिटेल्स नहीं है, तहम रिपोर्ट के मुताबिक MiG-35 तैयारे की पर फ्लाइट आर कॉस्ट $18,000 जबकि तेजस की $12,000 है। इसी तरह से F-16 की पर फ्लाइट आर कॉस्ट $10,000 बताई गई है। इन चारों कम्पीट करने वाले तैयारों में सबसे कम फ्लाइट आर कॉस्ट JF-17 थंडर की है जो कि $7,600 बताई गई है। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से MiG-35 इस कंपटीशन में शायद इसलिए मुंतखब ना हो सके क्योंकि रशियन एयरक्राफ्ट होने की वजह से अमेरिका अर्जेंटीना पर कॉट्सा एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर सकता है, जबकि तेजस के इम्कान भी कम दिखाई देते हैं। लिहाजा F-16 और JF-17 थंडर इस हवाले से निस्बतन बेहतर पोजीशन में है, जिसकी बुनियादी वजह ना सिर्फ एक्विजिशन बल्कि पर फ्लाइट आर कास्ट के अलावा अर्जेंटीना को इस मामले में ऑफर की जाने वाली क्रेडिट लाइन है। आपके ख्याल से इन चारों तैयारों में से किसके इंतखाब का इम्कान है, कमेंट करके जरूर बताएं। सऊदी अरब की नेवी के लिए स्पेनिश कंपनी की तैयार करदा अल जुबैल क्लास कॉर्वेट सऊदी अरब पहुंच गई है। ये इस क्लास की पहली कॉर्वेट है जो बुनियादी तौर पर 25 अगस्त को सऊदीया पहुंची थी। सऊदी अरब अपनी नेवी के लिए इस क्लास की 5 कॉर्वेट्स खरीद रहा है, जबकि 2 अरब यूरो की लागत से खरीदी गई इन शिप्स में से आखिरी शिप 2024 में सऊदी अरब को डिलीवर की जाएगी। याद रहे कि अल जुबैल क्लास 2200 टन क्लास की कॉर्वेट है। इसको एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी एयर वारफेयर के अलावा एंटी सरफेस वार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस शिप की टॉप स्पीड 25 नॉट्स और रेंज 4500 नॉटिकल माइल्स है। इस पर लियोनार्डो की सुपर रैपिड गन के अलावा रेन मेटल का क्लोज इन वेपन सिस्टम, 4 12.7 मिलीमीटर मशीन गन्स और 6 टॉरपीडोज के अलावा 8 एंटी शिप क्रूज मिसाइल और 64 इवॉल्व्ड सी स्पैरो सरफेस टू एयर मिसाइल्स ऑफर किए जा रहे हैं। याद रहे कि इस सरफेस टू एयर मिसाइल की रेंज 50 किलोमीटर बताई जाती है। भारतीय मीडिया सोर्सेज के मुताबिक रूस ने भारतीय फौज को S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की दूसरी बैटरी डिलीवर कर दी है। ये डिलीवरी शेड्यूल के मुताबिक की गई है। याद रहे कि भारत ने $5.43 अरब की लागत से रूस से 5 S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की बैटरीज ऑर्डर की थी। इससे पहले इस सिस्टम की पहली बैटरी रूस की जानिब से दिसंबर 2021 में डिलीवर की गई। इस बैटरी को भारत की जानिब से पाकिस्तान और चीन के साथ मलहिका बॉर्डर पर तैनात किया गया है। याद रहे कि यह सिस्टम ज्यादा से ज्यादा 30 किलोमीटर की बुलंदी और 400 किलोमीटर की रेंज पर एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। आर्मेनिया और आजरबैजान के दरमियान जारी हालिया कशीदगी के दौरान आर्मेनिया के वजीर आजम ने कहा है कि वो आजरबैजान के साथ किसी किस्म की डील साइन करने के लिए तैयार नहीं है। ये बयान निकोल पाशिनयान की तरफ से उस वक्त सामने आया है जब आर्मेनिया की पार्लियामेंट के सामने मुजाहिरीन की तरफ से एहतजाज की इतलात सामने आई है। वाज रहे कि आजरबैजान ने कामयाब स्ट्राइक्स के जरिए आर्मेनिया के कई फौजी हलाक कर दिए हैं, जबकि कुछ अहम इलाकों पर कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को हादसा पेश आया है। इस हादसे के नतीजे में उनके काफिले से टकराने वाली गाड़ी का ड्राइवर जख्मी हो गया है।
यूक्रेनी सदर के तर्जमान के मुताबिक वो इस हादसे में महफूज रहे, तहम उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल ले जाया गया। इस हादसे की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। फ्रेंड्स, मीडिया सोर्सेज के मुताबिक मलेशिया ने अपनी एयरफोर्स के लिए कोरियन साख्ता F-50 का इंतखाब कर लिया है। मलेशिया बहुत जल्द इस बारे में साउथ कोरिया के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर देगा। इधर चाइनीज मीडिया ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। मलेशिया मुतवक्के तौर पर जनूबी कोरिया से 18 F-50 तैयारे खरीदने का इरादा रखता है, जिनकी मालियत तकरीबन $1 अरब होगी। वाजिर है कि मलेशिया काफी अरसे से अपनी एयरफोर्स के लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन की गर्ज से मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट इवेल्युएट कर रहा था। इन तैयारों में पाकिस्तान और चीन का मुश्तरक तौर पर तैयार करदा GF-17 थंडर, रशियन MiG-35 और Yak-130 के अलावा इंडियन तेजस और तुर्क हुरजट भी इस कंपटीशन में शामिल थे। जापान ने ट्रायल्स की गर्ज से इसराइली साख्ता हरूब ड्रोन और अमरीकी साख्ता स्विच ब्लेड लोइटरिंग मिनिशन खरीदने का ऐलान किया है। इन लोइटरिंग मिनिशन के कामयाब ट्रायल्स के बाद जापान अपनी आर्म फोर्सेज में 2025 में लोइटरिंग मिनिशन इंडक्ट और डिप्लाई करेगा। इन लोइटरिंग मिनिशन को चीन और ताइवान के करीब मौजूद आईलैंड पर डिप्लाई किए जाने के इम्कान हैं। अमेरिका ने जुलाई के महीने में स्लोवाकिया को भिजवाई गई पैट्रियट बैटरी का कंट्रोल नेटो के हवाले कर दिया है। याद रहे कि अमेरिका की तरफ से फराहम करदा पैट्रियट बैटरी ने स्लोवाकिया में डिप्लाई की जाने वाली जर्मन और डच पैट्रियट यूनिट्स को ज्वाइन किया है। ये डिप्लॉयमेंट नेटो की एयर शील्ड मिशन का हिस्सा बताई गई है। याद रहे कि यह सिस्टम तकरीबन 100 किलोमीटर की रेंज रखता है। रूस की फौज को डिफेंस इंडस्ट्रीज की तरफ से T-90M टैंक की डिलीवरीज जारी हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 सितंबर को रूस की फौज को T-90M टैंक का नया बैच डिलीवर किया गया है। इससे पहले भी रूसी फौज को एक बैच चंद हफ्ते पहले फराहम किया गया था। वाज़ेह है कि T-90 रूस का सबसे एडवांस्ड इन सर्विस टैंक है, जिसको अब तक कई ममालिक को एक्सपोर्ट भी किया गया है। ताहम यूक्रेन के साथ जारी हालिया जंग में रशियन टैंक्स को यूक्रेन ने TB2 ड्रोन से कामयाबी से निशाना बनाया है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।